लेवल को ध्यान में रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास आप इसको शेयर करिएगा। आपका जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर रेखा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। देखिए, एक नंबर पे हम लिखते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा यानी अक्षांश रेखा किसको कहेंगे? तो मैं बोलते ही नहीं क्लियर हो जाएगा हमारा। तो देखो ग्लोब, अब ग्लोब पर सामान्यतः दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक तो पूर्व से पश्चिम में और एक होती है उत्तर से दक्षिण में खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं। तो पूर्व से पश्चिम वाली को क्या कहेंगे और उत्तर से और दक्षिण वाली जो रेखाएं होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? यदि हमने उस चीज को जान लिया तो ये वाला टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो सीधी हम परिभाषा लिखते हैं कि ग्लोब पर ग्लोब पर वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खिंची होती हैं, ग्लोब पर वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम की तरफ खिंची होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। ग्लोब पर वे रेखाएं जो पूर्व से और पश्चिम की ओर खिंची हुई होती है या दर्शाई जाती है, आपने ग्लोब का प्रतिरूप देखा होगा, उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। अब देखो मैं डायग्राम के माध्यम से बताती हूँ छोटा सा। ये हमने बना लिया है ग्लोब, क्या बना लिया है हमने ग्लोब, और ये जो पृथ्वी क्या करती, मान लीजिए आप इसको, एक चीज ध्यान रखना आप इसमें कि जो पृथ्वी की जो आकृति है ये लगभग गोलाकार है, यानी बिल्कुल सेम अपन इसको नहीं कर सकते हैं। अब बीच में से तो ये उभरी हुई है और ध्रुवों पर क्या है, ये चपटी है, यानी एक लट्टू के समान अपन इसको मान सकते हैं, नारंगी के समान आप इसको सही आकार है इसका मान सकते हैं। नारंगी, आप थोड़ा आइडिया लेकर के देखिए कि नारंगी का आकार कैसा होता है। अब जो इसका बीच वाला भाग होता है वो बाहर निकला हुआ होता है और जो इसके दोनों कोर होते हैं उत्तर और दक्षिण वाला वो बीच में से चपटा हुआ होता है, और यही जो आकार होता है हमारा उसको लगभग गोलाकार कहते हैं। ये पृथ्वी का हमारा सही आकार है। अब मैंने आपको कहा कि पूर्व से और पश्चिम की तरफ, तो ये तो क्या है हमारा उत्तर, ये क्या है हमारा दक्षिण, ये क्या है पूर्व और ये क्या है पश्चिम। तो रेखाएं किधर खींचनी है हमारे को? पूर्व से लेकर के और पश्चिम में, यानी ये जो रेखाएं हैं इनको अपन क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। और जो बाकी अलग दिशा में खींचेंगे उत्तर से दक्षिण में, उनकी चर्चा भी हम थोड़ी देर बात करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं। तो एक चीज ध्यान रखना कि पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है, ये मान लेते हैं हम इसको कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो कि जो अक्षांश रेखाएं होती है इनकी संख्या कितनी होती है। देखो संख्या के संदर्भ में आपको 2-3% याद करने हैं, देखते हैं कि एग्जाम में हमारा किस तरह से प्रश्न आता है। ये याद रखना, यदि हमें अक्षांश की संख्या पूछे तो आपको याद करना है 180। अक्षांश की संख्या पूछा तो अपने को कितनी याद करनी है? 180। और यदि हमें कुल अक्षांश रेखाएं पूछे, तो हमें करना है 181। कितनी करनी है हमें? 181। अब ये अंतर कैसे आया? याद करो ये 0 डिग्री है। अब 0 से और ये जो उत्तरी ध्रुव है हमारे, यहाँ तक 90 है। कितनी रेखाएं खींची हुई है? 90। अब ये यहाँ 0 से लेकर के और यहाँ जाए आप लास्ट में, कितनी रेखाएं खींची हुई है? 90। तो 90 और 90 कितना होता है? 180। उनको तो क्या कहेंगे अपन? अक्षांश। क्या कहेंगे? अक्षांश। और जो अपने कुल अक्षांश रेखाएं हैं उनके अंदर अपने को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल करना है। समझ गए? 0 भी एक रेखा हो गई, 80 ऊपर हो गई और 90 ऊपर हो गई, और 90 किधर हो गई? नीचे हो गई। 90 और 90 कितने हो गए? 180। और 0 को भी जोड़ेंगे
का 181। बात करते हैं अक्षांश की। अब ध्यान दो, ये दो बार हमें बांटने वाली रेखा होगी जिसको पहले 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा था। अब देखो जो जो ऊपर की तरफ जाएंगे यानी ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है ये कम होती जाएगी, समझे? अब कम हो रहा है, यहां देखो ये यहां से लेकर के यहां तक जा रही है। अब ये इसका जो आकार है वो भी तो इस तरह से है ना कि ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, और इधर भी दक्षिण में आते हुए क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो ये वाली जो दूरी है ये तो ध्रुवों की ओर जाते समय क्या हो जाएगी, लंबाई तो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन ये जो चौड़ाई है इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे तो विषुवत रेखा पे पूछा जाए और चाहे उत्तरी ध्रुव और चाहे दक्षिण ध्रुव, दोनों पर्सन इंपोर्टेंट है, उनको आप लिखिए। इतना तो मैंने बता दिया कि अक्षांश कितने हैं और देशांतर, वो अक्षांश कितने हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी। अब याद करो आप ध्रुवों की ओर जाने पर ऐसे लिखेंगे पर्सन, ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा की, अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी भाई, कम या ज्यादा? कम। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की ये लंबाई है ये क्या होती है, कम होती है, है ना? लेकिन याद रखना कभी भी शून्य नहीं होगी, कभी भी शून्य नहीं होगी, ये ऐसे खींची हुई होगी, ये ऐसे खींची हुई होंगी। तो यहां लास्ट में जाकर के भी इसकी कुछ लंबाई आएगी, ये लंबाई कभी भी शून्य नहीं होगी। एक और प्रश्न लिखते हैं हम, ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुवों की तरफ जाने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ऐसे नहीं लिखते, तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहेगी, समान रहेगी, समझ गए पर्सन को? यानी लंबाई तो कम होती जाएगी और ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि जो यहां पर रहेगी वो ही लास्ट तक जाते जाते रहेगी। तो लंबाई तो क्या होती जाएगी, चाहे उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव पूछे चाहे दक्षिण ध्रुव पूछे, लंबाई तो कम होती जाएगी लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वो वही रहेगी, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे उत्तरी गोलार्ध का पूछे और चाहे हमें दक्षिणी गोलार्ध का पूछे। कुल की बात मैंने आपको बता दी। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो, वो क्या है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी, समझ रहे हैं इस प्रश्न को, इस वाली दूरी की बात कर रहा है, दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से याद करना है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 111, चाहे विषुवत रेखा पे पूछे चाहे आपको कोई से गोलार्ध में पूछे, 111 किलोमीटर आपको इनके बीच की दूरी है वो याद करनी है। क्लियर है ये पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट, तो इसको उठा करके और हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इनके बारे में लिखने हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इधर का मैं मिटा देती हूँ ये संख्या वाला, लिए का क्षेत्र है
उसको जोन या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट और तथ्य जो अक्षांशों से संबंधित है वो ये है। देखो विषुव किसको कहेंगे, शरद विषुव किसको कहेंगे, विषुव हो गया, शरद विषुव हो गया, बसंत विषुव हो गया, एक और शब्द आ गया इधर अयनांत क्या है, ग्रीष्म अयनांत क्या है और शीत अयनांत क्या है। शीत अयनांत ये कुछ विशेष शब्द हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाओं से संबंधित जो ये छह शब्द हैं वो क्या है, किस स्थिति में किसको क्या नाम दिया जाएगा। इसको बताने से पहले आप फटाफट इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक बार मुझे इसको पूरे रिवाइज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये टॉपिक समझाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताती हूँ मैं इन सब शब्दों के बारे में आपको, क्योंकि बड़ा डायग्राम है इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। देखिए छह शब्द हैं, आपने नोट कर लिए होंगे, मैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो एक गोले के माध्यम से आपको समझ में आ जाए। बड़ा सा हमने क्या बना लिया, गोला, ये वही ग्लोब का ही प्रतिरूप है, ये रेखा खींच दी हमने और इस रेखा को क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री। क्या नाम दे दिया इसको हमने, 0 डिग्री। अब ये वाली रेखा खींच दी, इसको मैंने नाम दे दिया 23.5। अब मैंने ये रेखा खींच दी, इसको नाम दे दिया 65.5 और इसको क्या नाम दे दिया, 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको एक रेखा खींचनी है जिसको नाम देना है 23.5 और यहाँ पर अपने को खींचनी है उसको क्या नाम देना है, 66.5 डिग्री। और ऐसे ये लास्ट में और इसको क्या नाम देना है, 90 डिग्री। अब याद रखना ये तो उत्तरी ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया अपना, दक्षिणी ध्रुव। अब अपने को 6 वर्ड जो पढ़ने लिखे थे अपने को वो क्लियर करने हैं कि उनको क्या कहेंगे। अब ये याद रखो कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश है, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या नाम देंगे इसको, 0 डिग्री अक्षांश कह दो, विषुवत रेखा कह दो, या इसको आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हो। अब अपने को जो दिन वो शब्द विशेष थे उन पे जोर देना है। अब बात करते हैं कि सूर्य इस रेखा पर कब चमकेगा, क्योंकि उसी से हमारे वो जो 6 शब्द थे वो हमारे यहाँ क्लियर होंगे। देखो 2 दिन है या सूर्य यहाँ चमकेगा, एक तो है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। अच्छे से याद कर लेना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा। अब आते हैं वर्ड के ऊपर अपन जो थे। अब एक वर्ड पहले आपको लिखवाया था विषुव, लिखवाया था ना अभी, अब इसमें विषुव में क्या आएगा, जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा उसको क्या कहेंगे अपन, विषुव। लिखो जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकेगा उस स्थिति को क्या कहेंगे अपन, विषुव। जब सूर्य का विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना है वो क्या कहलाएगा, विषुव। अब 2 शब्द और थे, एक तो था बसंत विषुव और दूसरा शब्द कौन सा था, शरद विषुव। शरद विषुव। अब दिन कौन से हैं अपने, इधर देखो एक बार ढंग से, दिन कौन से हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब इसमें से आप मेरे को ये बताओ कि बसंत विषुव कौन सी तारीख को कहेंगे और शरद विषुव कौन सी तारीख को। एक तो बसंत पंचमी याद करो बसंत ऋतु से और एक आपको पढ़नी है शरद पूर्णिमा शरद विषुव से। तो शरद पूर्णिमा कब आती है और बसंत पंचमी कब आती है, दोनों तारीखों में आप बता दो। बसंत में तो कर देंगे 21 मार्च, वही फरवरी के समथिंग आती है और अपने वो आती है सितंबर के समथिंग और इसमें क्या कर देंगे अपन, 23 सितंबर। समझ गए इन दोनों प्रश्नों को, विषुव तो क्या कहेंगे, सूर्य का विषुवत
होती है, तो याद रखना जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा तो चाहे आपको उत्तरी गोलार्ध पूछे चाहे दक्षिणी गोलार्ध पूछे, संपूर्ण पृथ्वी पर इन दो दिनों में दिन और रात की अवधि क्या होती है बराबर, लिख लीजिए उसको। सूर्य जब विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है ये वाला, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं बराबर, कब की बात है ये, 21 मार्च और 23 सितंबर। शायद अब इन तीनों वर्डों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि विषु किसको कहेंगे, शरद विषु किसको कहेंगे और बसंत विषु किसको कहेंगे। आगे चलते हैं, अब मैंने तीन शब्द आपको और बताए थे, एक तो था अयनांक, एक था ग्रीष्म अयनांक और एक कौन सा था शीत अयनांक, शीत अयनांक। अब दो विशेष रेखाएं मैंने यहां अंकित की है, एक तो 66.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में और एक अंकित की है मैंने 66.5 डिग्री किधर, दक्षिण गोलार्ध में। अब ये जो दिन रहेंगे वो इनसे संबंधित रहेंगे, ये जो स्थिति रहेगी वो इससे संबंधित रहेगी। देखिए आप एक बार, सॉरी इससे संबंधित नहीं, ये जो स्थिति रहेगी वो इनसे संबंधित रहेगी। पहले अपन 23.5 स्थिति क्या है इसको भूल रहे हो, 23.5 डिग्री, तो जो 23.5 डिग्री उत्तर में है उसको क्या कहेंगे और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है उसको क्या कहेंगे। देखो ये वाली जो 23.5 डिग्री है इसको कहेंगे कर्क रेखा, क्या कहेंगे कर्क रेखा, और ये जो दक्षिण में है इसको क्या कहेंगे मकर रेखा। अब एक तो है दक्षिण गोलार्ध में और एक किधर है अपने उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है कर्क रेखा और दक्षिण गोलार्ध में क्या है मकर रेखा, तो वो दिन बताना है हमें जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, क्योंकि उसी में तो अयनांक और ये शीत अयनांक और ग्रीष्म अयनांक निकलेंगे। देखो जो ये कर्क रेखा है इस पर सूर्य सीधा चमकेगा 21 जून को, कब चमकेगा 21 जून को, और जो मकर रेखा है ये वाली इसको चमकेगा 22 दिसंबर, कब चमकेगा 22 दिसंबर। होता क्या है पहले ये देख लीजिए, अब जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है कब 21 जून को, तो उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी क्या होगी रात होगी। अब अपन है उत्तरी गोलार्ध में है तो अपने देख लो कि जून के महीने में बड़ा दिन होता है या बड़ा दिन होगा या बड़ी रात होगी, गर्मियों का टाइम है और गर्मियों में क्या होता है दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है, क्लियर है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा कब 21 जून को, तो कर्क रेखा किधर है उत्तरी गोलार्ध में, तो दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। अब देखो जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा कब 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को यहाँ दिन बड़ा होगा दक्षिण में और अपने यहाँ पर कैसा होगा दिन छोटा होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को अपन उत्तरी गोलार्ध में है तो अपने तो रातें बड़ी होगी और दिन क्या होंगे छोटे, लेकिन 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित किसी रेखा पर चमक रहा है तो दक्षिण में दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी छोटी। अब अपने को क्लियर कर लेते हैं तीन शब्द, अब वो क्या है देखो, अयनांक है इसमें आएगा सूर्य का कर्क व मकर रेखा पर चमकना, पर चमकना सूर्य का कर्क और मकर रेखा पर चमकना है उसको क्या कहेंगे अपन अयनांक। अब अयनांक को भी कितने भागों में बांट दिया है भाई दो, एक तो क्या है ग्रीष्म और एक क्या है शीत, तो अब आपके सामने क्लियर है ग्रीष्म किसको कौन सी तारीख को कहेंगे और शीत किसको कहेंगे, कहीं जोर डालने की जरूरत नहीं है, गर्मियों वाले को तो अपन 21 जून को तो इसमें कर देंगे और 22 दिसंबर को इसमें कर देंगे, बताइए भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो, क्लियर है ना अपने 6 के 6 शब्द, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयनांक किसको कहेंगे, ग्रीष्म अयनांक किसको कहेंगे और हम शीत अयनांक किसको कहेंगे, इधर भी शायद हमारे ये शब्द है जो क्लियर हो गए। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा छोटा, और जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और अपने यहाँ पर कैसे होंगे छोटे, यानी जो उत्तर में हो रहा है उसका ठीक विपरीत दक्षिण में हो जाएगा और जो दक्षिण में हो रहा है उसका ठीक विपरीत किधर हो जाएगा
उत्तर में, और शायद 6 के 6 पॉइंट है ये आपके क्लियर हो गए होंगे। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे मैं आपको देशांतर रेखाओं के बारे में और बताऊं। इसीलिए तो यहाँ पर अपन ने 361 नहीं किया, क्योंकि 80 तो एक ही है, 179 इधर है,
से पश्चिम में जाएगा तो टाइम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उत्तर से दक्षिण में आएगा तो टाइम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अपन ने लिखा है कि दो देशांतरों के मध्य है कितने का अंतर होगा, 4 मिनट। तो आप मुझे बताओ कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो सॉरी अक्ष नहीं वो बोलते हैं ना अपन कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्ष वाला, पृथ्वी अपने कक्ष पर जो चक्कर लगाएगी वो पश्चिम से पूर्व लगाती है या पूर्व से पश्चिम, क्योंकि उसी से यहाँ क्लियर होगा। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो लगाती है पश्चिम से पूर्व, किधर लगाती है, पश्चिम से पूर्व। तो याद रखना यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा तो टाइम बढ़ेगा, क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति है जो पूर्व से लेकर के और पश्चिम की तरफ जाएगा देशांतर रेखा को पार करके पूर्व से देशांतर रेखा को 180 डिग्री को, तो बेटा टाइम क्या होगा, कम होगा। समझ गए, पृथ्वी की गति याद करनी है, सूर्य के चारों तरफ कैसे चलाती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर जाने पर तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और पश्चिम की ओर जाने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब अपने को ये कोई और बेटा ये सिर्फ यदि 180 से संबंधित ही पूछे ना यहाँ, तो आपको याद करना है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करते ही टाइम में एक दिन का अंतर आ जाता है, 4-4 मिनट का नहीं आएगा, 180 में अंतर जाते ही कितने का आ जाएगा, पूरे एक दिन का। तो यहाँ जाते ही तो एक दिन बढ़ जाएगा, इधर जाते ही तो यहाँ से इधर जाते ही तो और यहाँ से इधर आते ही क्या होगा, टाइम में एक दिन का कम हो जाएगा। समझ गए, पूर्व में तो बढ़ेगा और पश्चिम में कम होगा। अब यदि डी की बात करें अपने, ये जो देशांतर रेखा है दो की बात करें तो दो में क्या होता है बेटा, 4 मिनट का अंतर होता और पूर्व की तरफ तो बढ़ेगा वो टाइम और पश्चिम की तरफ क्या होगा, कम होगा। और यदि 180 की बात करते हैं तो पूरे एक दिन का टाइम में अंतर आ जाता है। समझ गए, इस टाइम को दूर करने के लिए ही देशों के अंदर मानक समय रेखाएं बनाई जाती है। जैसे भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, जैसे अपने एक है वैसे ही रूस में 11 है, वैसे रूस में कितने मानक समय रेखा है, 11। उतार लीजिए आप फटाफट इसको। अक्षांश के बारे में मैंने आपको बता दिया है, देशांतर के बारे में बता दिया है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मैंने आपको बता दी है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बता दी है। फिर भी यदि आपको यदि किसी पॉइंट पे कहीं कोई कंफ्यूज होता है तो मुझसे आप कमेंट करके उसका आंसर जान सकते हैं। आप मेरे साथ एंड तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।